हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सुराही का जल ठंडा क्यों हो जाता है, यानी कि घरों में जो हमारे घड़े होते हैं यानी कि जो गगरी होती है उनमें पानी जो होता है वो अचानक ठंडा क्यों हो जाता है, या फिर कुछ समय के बाद मतलब धीरे धीरे ठंडा क्यों हो जाता है। तो इसी की वीडियो में हम जानने वाले हैं। 10 के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूछता है इसलिए क्वेश्चन 10 में कि सुराही में रखे जल अचानक ठंडा क्यों हो जाता है। देखिए, हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि मिट्टी के घड़ा, मतलब मिट्टी घड़ा का मतलब था सुराही में रखा जल ठंडा क्यों हो जाता है, यानी कि सुराही का जो जल है वह ठंडा क्यों होता है, इसी की हमें व्याख्या करनी है। तो आप उसमें कैसे लिखिएगा, हम देखिए पीछे लिखे हुए हैं, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आप लोग को देंगे टाइम। देखिए, सुराही में अनेकों छिद्र, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आप लोग जानते हैं कि सुराही जो होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मतलब कि अगर पानी, अगर हम भरे घड़ा में, मतलब यहाँ पे अगर हमारा जो घड़ा हो गया, इसे अगर घड़ा में हम पानी भरे भी, अगर हम इसमें पानी भरे और बिना इसपे, मतलब इसपे एक भी बूंद पानी ना पड़े, तो कुछ समय के बाद ये पूरा का हो जाएगा, तो इसमें नमी आ जाएगी पूरा। अगर पानी इतना है ना, तो ये इससे अधिक नमी इसमें यहाँ तक आ जाएगी, तो छिद्र के कारण इसमें नमी आती है। ओके, यानी होने के कारण जल के कण इनके बाहरी सतह पर, जल के कण इनके बाहरी सतह पर चले जाते हैं। अगर इसमें जल है, अगर इसमें जल थोड़ा बहुत है, चाहे यहाँ पे जितना तक पानी रहेगा, पानी तो रहेगा अंदर, लेकिन इसमें नमी बाहर तक भी आ जाती है। ठीक है, नमी बाहर आने के कारण क्या है, इसके छोटे छोटे छिद्र होने के कारण इसके नमी बाहर आती है और बाहर छिद्र, मतलब बाहर इसके जल आ जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें आगे मतलब लिखा हुआ है कि वाष्पन के कारण जलवाष्प के रूप में, वाष्पन के कारण जलवाष्प के रूप में वायु में चले जाते हैं, यानी कि जो भी जल कि सुराही के बाहरी सतह पे लगे होते हैं वह वाष्पन के कारण जलवायु में, कि वायुमंडल में भ्रमण करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें जल है, तो इसके कारण, नमी के कारण जल यहाँ आएगा, तो यहाँ जो जल आएगा ना इसमें, यानी कि बाहरी सतह पे जिसका जल आएगा, ये वायुमंडल में लगेगा का, मतलब ये वाष्पन के कारण यहाँ से हट जाएगा। लेकिन वाष्पन, मतलब वाष्पन की विधि से ये सब होता है, यानी कि हटने के कारण। देखिए, अब इन कणों के वाष्पन के लिए, इन कण मतलब कि जो भी जल इसके नमी की, यानी कि सुराही के जो भी जल बाहर आए हैं, वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा सुराही के जल से प्राप्त होता है, आवश्यक ऊष्मा सुराही के जल से प्राप्त होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे जल है, अगर ये बाहर आएगा, तो वायुमंडल में ऊष्मा भी होती है और नमी भी होती है, तापमान भी होता है, तो इसमें ऊष्मा आ जाएगी कहाँ पे, इसके बाहरी सतह पे ऊष्मा आएगा, इसलिए इसका जल क्या होता है, तो ठंडा होता है। यानी कि नमी के कारण ही, यानी कि वाष्पन विधि के कारण सुराही का जल ठंडा होता है। सो आई होप वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।